मेन मुद्दा है कि लोग बोलते हैं आईआईटी वालों की यार गर्लफ्रेंड नहीं होती यार, मेरी नहीं है अबे नहीं है नहीं है मतलब ये लोग बोलते हैं आईआईटी में लड़कों का थोड़ा कमी है करके, इज इट ट्रू आशु? ये सही लगता है आईआईटी के, मतलब अब लड़के लड़के पर डिपेंड करता है कि मैं किसी को पर्सनली ब्लेम नहीं करूंगा नहीं मेरे को रेशो मतलब बताओ हाँ क्या है वो कमी है, कमी है, कमी है, ओके कमी है, तो कुछ करोगे करें इसके लिए अपील करें? मैं तो कर रहा हूँ, हो नहीं रहा कुछ अच्छा डोंट ट्राई दिस एट होम वरना जूते पड़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी बजे हैं मॉर्निंग के 7:30 और आज मेरा एक फ्रेंड आने वाला है बैंगलोर से। मैं जैसा अभी सो के उठा हूँ, उसका थोड़ी देर पहले कॉल आया था तो वो मुझसे मिलने आ रहा है हैदराबाद में, मुझसे मिलने आ रहा है, उसका कुछ काम भी है स्पेशली देखा जाए तो। मैं ऐसा कुछ ऐसा नहीं लाइक मेरे लिए डेस्परेट मिलने आ रहा है ऐसा नहीं है, उसका कुछ काम भी है बट आ रहा है तो हम लोगों से मिल के भी जाएगा। तो ऑलमोस्ट पहुँच गया रेलवे स्टेशन नियर बाय जो भी है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन सबसे पहले मुझे अपना बिस्तर सेट करना पड़ेगा क्योंकि जो आ रहा है उसे ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं बहुत गंदे तरीके से रहता हूँ, तो उसको सेट करते हैं। तो बिस्तर अपना सेट, कोई इशू नहीं है, यहाँ ऑल गुड। इसको आप सीधा कर दो थोड़ा ताकि लगे कुछ रखा हुआ है, इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। टैपू गिटार का इधर रखो, फ्लक्टम भी गिर गया इसको भी इधर रखो, कैमरा कैमरा की जगह में। जो अब रूम है अब वो रूम की तरह लगने लग गया कि हाँ कुछ है इधर, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि लाइक इंजीनियर्स इधर रह रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि जनरली इंजीनियर का रूम आई कांट एक्सप्लेन दैट, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा। बट अभी मैंने इसको थोड़ा सेट कर दिया ताकि अगर कोई वो आएगा दोस्त तो उसको शौक ना हो है ये कहाँ तू रहता है ऐसा करके, ठीक है तो उसको दिखाने लायक इट्स ओके। तो ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास है ब्रेड भी है, ओट्स और ट्रॉपिकाना का मिक्स फ्रूट जूस और पीनट बटर। सबसे पहले तो एक चाय पिलाऊंगा उसको, दूध भी बड़ा हुआ है, हम लोग तो चाय पीते नहीं इधर बट मतलब बाहर ही जाके पी लेते हैं बट अभी वो अभी इसके लिए बनाएंगे रूम पे। अरे उड़ जा उड़ सवार। इन्हीं का इंतज़ार हो रहा था हमें, थैंक्स फॉर कमिंग। एंट्री कर दी? अरे एंट्री कर लो फिर भाई, कैसे हो? बढ़िया, करो करो एंट्री करो। एंट्री कराओ क्या? करा दो यार इस गरीब का। अच्छा हाईटेक है, ठीक है भैया हो गया ओके थैंक्स, आ जाओ एंट्री मारो। थैंक यू, आपने इतना हेल्प प्यार किया हमें। बैग इधर रख लो और सैनिटाइजर तुमने लगा ही लिया ऑलरेडी, उसकी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है ऐसे, बट अगर तुम्हें चाह अच्छा खुशबू वाला चाहिए तो ये है लाइव बॉय वाला। ओ माय गॉड, ये अभी चल मेरा वाला हल्दानी में पड़ा है, मैं हल्दानी में ले गया था ना तो उधर ही है, बहुत अच्छा लगा। चलो ट्रेवल करता हूँ, दरवाजा लॉक करते हैं। पलो चाय तो पीते हो राइट? चाय तो पियोगे ना? ठीक है, तो दूध तो मैंने कर दिया गर्म करने के लिए, आज ट्राई करता हूँ चाय बनाने की। मैंने ब्रेकफास्ट बना कर रहा, अच्छा लग रहा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा ही है। सही है भाई, सही है। ब्रेड तो क्या ही बनाई तुमने? बल ब्रेड ही बनाया, ब्रेड को गर्म किया है, ये क्या बात होती है। ये क्या सारे कर रहा है? आशु का इंट्रोडक्शन देने के लिए बोल रहा है। सब जानते हैं उसे यार। नहीं, जिस व्लॉग में मैं था तुमने वो व्लॉग अपलोड ही नहीं किया है। क्यों किया भाई ऐसा? क्यों किया? जो मॉर्निंग वाला व्लॉग था मतलब तुम उसको एडिट में बाहर कर दोगे? मेमोरीज ऑफ केजीपी करके डाल सकते हो तुम उसको। ओह माय गॉड, सच में यार सही दिन में होगा नहीं होगा मुझे भी, ये एडिटिंग खराब है। जिस चक्कर में मैं सुबह जल्दी उठा, 6 बजे उठ के गए थे हम लोग। उस दिन क्या बताता हूं, उस दिन 6 बजे उठे हम लोग, उठे सारा रात में 3 बजे सोए थे हम लोग, 2-3 बजे सोए थे, 6 बजे उठ गए, तो लेते हैं और ऊपर हमारा ठंडा भी उड़ता उस टाइम पर, फैन ही निकल गए कि ब्लॉग नहीं भी बनाया नहीं ब्लॉग और भी चाय बनाने का बनाएंगे आप? जूते कैसे पहने? जूते
बोले टॉपिक कैसे है ब्रो, देखना जूते कैसे पहने हैं, चेयर गिरी उसको कैसे उठाए हैं, इस पे बना है ऑलरेडी 15 लाख व्यूज है इस पे, ब्रेड को कैसे खाए हैं, कैसे चपाए हैं, तो रेडी हैं और अब आसु को लेके चलते हैं थोड़ा घुमाने के लिए। ठीक है ब्रो, तू तो नहीं आएगा। चल विक्रम, एक मैं तेरे चीज पूछता हूँ, ठीक है? तुझे आईआईटी और यहाँ आके क्या डिफरेंस लगा? एक कोई मेजर डिफरेंस होता तो फील हुआ कि यार यहाँ वो नहीं है, या यहाँ वो है वहाँ वो नहीं था, या वहाँ वो था यहाँ वो नहीं है, ऐसा कुछ? दोस्तों के साथ वो गुपचुप दोस्त, यहाँ कॉर्पोरेट मार्केट में दोस्त नहीं मिले, मतलब वो अलग तरीके का होता है। खड़पुर की अलग दोस्ती थी, दिस इज द डिफरेंस फॉर यू। ओके, आसू से पूछता हूँ। अच्छा आसू, तुम बताओ, एक चीज़ पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सेम है कि तुम्हें ऐसा क्या डिफरेंस लगा कॉर्पोरेट लाइफ में आके जो तुम लगता है कि यार आईटी में होता तो और मजा आता, या आईटी में ऐसा क्या था जो यहाँ तुम मिस कर रहे हो? हॉस्टल लाइफ बेसिकली। हॉस्टल लाइफ वो मिस हो रही है, और कोई मेजर? पैसा यार। अरे पैसा तो यहाँ पे आके मिल रहा है ना, वहाँ पे नहीं था। वही है, दैट्स राइट। मैं दोनों में दो, इधर में हाँ। यहाँ पे पैसा है लेकिन शांति नहीं है। शांति कहाँ रहती है भाई? ओह शांति, ठीक है। और वहाँ पे हॉस्टल लाइफ थी, सब लोग चिंता नहीं करते थे, वो वाला सीन था, मजे में रहते थे। अभी अपोजिट हो गया है, अभी चिंता ही चिंता है, अभी लोग नहीं है चिंता, बस मतलब सैटरडे संडे छोड़ के बाकी सारे दिन चिंता है। ठीक है ठीक है, ओके। मतलब सेटिस्फैक्टरी है लाइफ? नहीं है, है बढ़िया है, बढ़िया लाइफ है। ओके, मोर देन सेटिस्फैक्टरी भाई, क्या चाहिए तुमको और ज़्यादा? पैसे भी हैं, तुम जहाँ जो चाहो वो कर सकते हो। फिर भी कुछ मिसिंग है? कौन सा पजल खेल रहे हो? आंसर ना पाएगा ये चीज़ें, क्वेश्चन आंसर वाला। स्मार्ट तो आ रहे हैं यार हम लोग, क्लिक करो क्लिक करो। हाँ क्लिक ही कर रहे हैं। मजा आ रहा है तुम्हारे मौसम में? मजा आ रहा है बस भाई, बढ़िया। बहुत गर्मी है ना? गर्मी है। इतना गर्मी अभी से? माय गॉड, यूपी में तो अपोजिट है यार। चलो लेकिन यहाँ मास्क पहनना पड़ेगा। और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में, अरे एक वीडियो देखी तुमने आजकल, इसमें जाने में लोगों को डर लग रहा है। क्यों? कुछ वीडियो यहाँ पर तक जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर आ गया तो गिर जाते हैं या कुछ हो जाता है, मुझे नहीं पता क्या है। वेट करो थोड़ा देर। ये ऐसे लोग हैं देखो, पता खिलाया पिलाया बंदों को, बुलाया वहाँ कराया, अच्छा नहीं। तुम अच्छे मैं तो अभी तो मुझे नहीं बुलाना है। गाइस अभी हम घूम के आ गए हैं और शहर वगैरह दिखाया है उसको, बड़ा जितना हम दिखा सकते थे, एक ही मेट्रो में बैठ के देखा है पूरा। मेट्रो में बैठ के जितना देख सकते थे देख लिया, मेट्रो में क्या ही देखा होगा हमने। हाँ एक तो रेड लेवल की एड लगा रखी है पूरे मेट्रो पे, रेड लेवल का पूरा प्रचार किया था पता नहीं। ठीक है एनीवे, तो अभी आए हम लोग, लंच हमने वहीं बाहर कर लिया था, और बिरयानी वगैरह अच्छी थी, बिरयानी मजा आया, बिरयानी फेमस है भाई। हाँ हैदराबाद की बिरयानी ऑब्वियसली, बट वो बिरयानी अच्छी थी, पैराडाइज भी हमने उसको ट्राई, मैं नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अभी थोड़ा बातें करते हैं यार, काफ़ी टाइम से मिले हैं और बस कॉलेज लाइफ हो गया। कॉलेज में तो बहुत मजे किए यार हमने, नहीं बहुत, खड़गपुर का तो अलग ही चाल था। तो लेकिन अब कॉलेज के बाद राइट, अब कॉर्पोरेट जॉब हमारी स्टार्ट हो गई है, तो कॉर्पोरेट जॉब में क्या मजा आ रहा है? मस्त है, सबको ट्राई करनी चाहिए कॉर्पोरेट लाइफ, एक बार ट्राई करनी चाहिए। और ये नहीं कि मतलब टीचिंग का अपना एक है, बट यहाँ पे है मजा है, यहाँ पे तुम्हारे पास प्रेशर भी रहेगा, तुम अपना एक फ्री टाइम भी ढूंढोगे, और जब फ्री टाइम मिलेगा तो उसके अपने ही अलग मजे हैं। लाइक मंडे टू फ्राइडे काम करते चला जाता है, सैटरडे संडे पता भी नहीं चलता है, और फिर से मंडे आ जाता है। सो दिस थिंग यू विल फील। कॉर्पोरेट में लाइक क्या होता है कि फ्राइडे हमारा वो लगता है कि आज हमारी छुट्टी स्टार्ट होगी, जैसे स्कूल टाइम नहीं होता था हमारी गर्मी की छुट्टी, संडे इसमें चला जाता है कि कल मंडे है। संडे ये सोचने में निकलता है कि अरे कल तो मंडे आ रहा है, राइट, जैसे अभी निकल रहा है कल को मंडे। तो ये है, ये फन यहीं आगे नहीं होता। लेकिन और क्या मिसिंग पार्ट यार वो था कि राइट ना, कॉलेज में ये इस टाइप का टेंशन नहीं होता था, राइट? कि कॉलेज में सबसे बड़ी चीज होती है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ है, मतलब जो भी तुम्हारा सर्कल है, करेक्ट करेक्ट, वो ऐसा है कि तुम्हारा टेंशन होगा, ठीक है, टेंशन एक ही जगह तक रहता है, बाकी फिर तुम्हारे दोस्त है ना, तो उनकी हरकतों की वजह से टेंशन उनको फील नहीं होगी। मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, राइट, कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, भले उन्हें कुछ नहीं आता हो, बट ऐसे ऐसी सजेशन देंगे ना कि यार कितने सालों से पता नहीं रिलेशन में ऐसी बातें करेंगे वो लोग, तो आपका मन आप हल्का हो जाएगा ना, तो सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि समाप पूरा नया हो जाते हो कॉर्पोरेट में आके, तो ओके तो ये है। और दूसरा मेन मुद्दा है कि लोग बोलते हैं आई आई टी वालों की यार गर्लफ्रेंड नहीं होती यार। मेरी नहीं है।
अबे नहीं है, नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब ये लोग बोलते हैं आईआईटी में लड़कों का थोड़ा कमी है करके, इज इट ट्रू आशु? ये सही लगता है आईआईटी के, मतलब लड़के लड़के पे डिपेंड करता है कि मैं किसी को पर्सनली ब्लेम नहीं करूंगा। नहीं मेरे को रेशो मतलब बताओ कि हाँ क्या है वो, कमी है? कमी है, कमी है। ओके कमी है तो कुछ करोगे, करेंगे इसके लिए अपील? अभी मैं तो कर रहा हूँ, वो नहीं रहा कुछ। अच्छा डोंट ट्राई दिस एट होम, वरना जूते पड़ेंगे। अच्छा तो यार मैंने ट्राई किए थे, पढ़ते पढ़ते बच्चे थे एक बार। अच्छा एक ये बताओ यार, वो क्या बोला था उसने एक बंदा, हाउ डू इम्प्रेस गर्ल्स? उसका आंसर है तो मुझे भी बताना। सो वही आंसर नहीं है अब तो मेरे को भी, हम लोगों को उसका आंसर नहीं मिला है। हमने गूगल किया था, गूगल किया था तुमको पता चले तो उनको बताना, हम भी अपडेट करेंगे। गूगल में भी उसका आंसर नहीं है यार। यही जो फाइन टॉक हो रहा है ना, ऐसा ही होता था यार हमारे कॉलेज में, इधर आके यही मिस है। आप ये ओके एनी वे, बस तो इस ब्लॉक का ही एंड करता हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसका, क्योंकि बातें खत्म होने वाली हैं नहीं, बहुत बातें। तो जितने प्रिसाइसली हम बात कर सकते थे आप लोगों से, थोड़ा जो भी मैसेज था वो देना डिलीवर करना था कर दिया। तो भाई ये भी एंड करता हूँ ब्लॉग को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार बनाएं, और प्लीज़ बोलो यार उसको सब्सक्राइब। हाँ, मेरा भी एक इंस्टाग्राम पेज है, क्रिएटिविटी गैलेक्सी, फॉलो दैट। ये गलत है यार, मेरे चैनल पर आगे तो मैं अपना अपने चैनल की बढ़ाई कर रहा हूँ, तो करो चलो कर दो यार भाई का भी कर दो, तो हटा दोगे तुम क्रिएटिविटी गैलेक्सी? हटा क्या हटा दूंगा क्या? नहीं तुम हटा देना, मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं रखना है उसको रखूँगा तो ये नंबर है, लोग सिंपैथी देते हैं। तो अपने थोड़े वाली स्टिल मैं इंस्टाग्राम पेज है क्रिएटिविटी गैलेक्सी, जिसपे मैं अपने पोएम्स डालता हूँ और जो भी मैं पेंटिंग देख लेना। क्रिएटिविटी गैलेक्सी, क्रिएटिविटी WIWTY, क्रिएटिविटी गैलेक्सी, उसको जाओ एक बार विजिट करो, मजा आएगा, बहुत अच्छा लगता है उसको, एक बार देखो और उधर भी जाओ। पहले मेरा भी सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे ही बने रहे, अपना प्यार बना रहे। और मेरा जो म्यूजिक वाला है प्लेलिस्ट वो भी मैंने स्टार्ट करी, पहले ही कवर सॉन्ग में उसमें कर रहा हूँ, तो उन्हें भी देखें, वहाँ भी अपना प्यार दें। ओके चलो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। ओके।